अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुछ खास। दोस्तों आज के वीडियो में क्या है कुछ खास, तो मैं बात करने वाला हूं पाकिस्तान की नंबर वन स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग लेके आ रही है अपने A6 और A6 प्लस को, तो आज कुछ खास होगा इसी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे सैमसंग काफी एफर्ट्स करता हुआ नजर आता है, खासकर मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन को रिटेन करने के हवाले से, क्योंकि इसके जो दोनों कंपटीटर हैं हवावे और नोकिया, दोनों ने ही इसको काफी टफ टाइम दिया है। खासकर देखा जाए अगर हवावे के मेट 10 लाइट के लॉन्च को लेकर, जिसने मिड रेंज स्मार्टफोन के तकरीबन सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, और साथ ही साथ नोकिया ने भी नोकिया 6 की मदद से मार्केट के अंदर अपनी काफी पोजिशन स्ट्रॉन्ग कर ली है। अब यहाँ पर सैमसंग पहले भी हवावे मेट 10 लाइट के मुकाबले में J7 Max ला चुका है, लेकिन सैमसंग ने J7 Max को जहां पर उसे प्लेस होना चाहिए वहां पे प्लेस नहीं कर सका। अब दोस्तों जो दो नए फोन सैमसंग लेकर आने वाला है A6 और A6 प्लस को लेकर, देखना यह है कि सैमसंग इनके लिए क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी लेकर आता है। दोस्तों यहां पे एनालिसिस काफी ज्यादा हो गया, अब चलते हैं फोन की तरफ। तो यहां पे सबसे पहले डिस्प्ले और डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो डिजाइन को लेकर दोस्तों काफी बातें हो रही है कि ये काफी अट्रैक्टिव होने वाला है, काफी स्टाइलिश होने वाला है, और साथ ही साथ ये हमें अपने ही सैमसंग के J7 Pro की तरह देखने में मिलता है। दोस्तों बैक पे यहां पर जो है वो बैंड डिजाइन दिया गया है, और साथ ही साथ फिंगरप्रिंट सेंसर को फ्रंट से लेकर दोस्तों यहां पर सैमसंग ले आया है बैक पर, जहां पर इसको बिल्कुल ही कैमरे के नीचे प्लेस किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर जो इसकी बैक है वो हमें स्टील में देखने को मिलती है। दोस्तों अगर बात कीजिए फ्रंट को लेकर, तो यहां पर दोनों ही फोन हमें S9 की तरह बेजललेस देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ हमें देखने को मिलेगा इंफिनिटी डिस्प्ले। दोस्तों 6 इंच और 5.6 इंच के डिस्प्ले के साथ सैमसंग यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला है सुपर एमोलेड टेक्नोलॉजी को। और अगर बात की जाए इसके रेजोल्यूशन की, तो यहाँ पे सैमसंग के A6 प्लस के अंदर हमें 1080x2220 के पिक्सल फुल HD डिस्प्ले के साथ, और A6 के अंदर दोस्तों 720x1480 पिक्सल के साथ HD डिस्प्ले के साथ देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर बात की जाए फोन के इंटरनल कंपोनेंट को लेकर, तो यहाँ पर A6 के अंदर हमें देखने को मिलता है 1.8 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, और साथ ही साथ 4GB रैम। अगर बात की जाए इंटरनल मेमोरी की, तो यहाँ पे दोस्तों हो सकता है 32GB और 64GB दोनों के अंदर ही ये अवेलेबल हो। अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर इसकी बैटरी को लेकर, तो सैमसंग यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला है हमें 3500 mAh की बैटरी। उसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए A6 को लेकर, तो यहाँ पर हमें मिलने वाला है 1.6 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, और साथ ही साथ सैमसंग प्रोवाइड करने वाला है इसके अंदर 3GB रैम और 32GB की इंटरनल मेमोरी। अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर इसकी बैटरी को लेकर, तो ये मिलने वाली हमें 3000 mAh के अंदर। तो दोस्तों अब अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो यहाँ पर प्रोसेसर को लेकर काफी कमी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो सैमसंग करने वाला है कैमरे को लेकर बहुत ही कमाल। मतलब दोस्तों यहाँ पर A6 प्लस के अंदर आपको मिलने वाला है 16 MP का रियर कैमरा, और साथ ही साथ 5 MP का प्राइमरी कैमरा, जहां पे आपको 1.7 और 1.9 अपर्चर देखने को मिलता है। अगर बात की जाए फ्रंट कैम की, तो यहाँ पे सैमसंग प्रोवाइड करने वाला है 24 MP का शूटर, जहां पे दोस्तों आप ले सकेंगे बहुत ही कमाल के इफेक्ट्स, मतलब 1.9 अपर्चर के साथ लो लाइट के अंदर बहुत ही कमाल के रिजल्ट आने वाले हैं। अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर A6 की, तो यहाँ पे दोनों कैमरे फ्रंट और बैक आपको 16 MP की मिलेंगी, जहां पे आपको फ्रंट के अंदर 1.9 और बैक पे आपको 1.7 का अपर्चर देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए दोस्तों सॉफ्टवेयर को लेकर, तो यहाँ पे एंड्रॉइड का इस पर जो लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉइड ओरियो अवेलेबल है, और दोनों फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड ओरियो देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर अनकरीब कोई अपडेट आती है दोस्तों, तो आप अपनी डिवाइस के अंदर उसको कर पाएंगे अपडेट। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पे प्राइस को लेकर, तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। मतलब सैमसंग करने वाला है इसको 40 से 50 हजार रुपए के अंदर लॉन्च, जहां पे मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा कि सैमसंग अगर इसको 30 हजार से 40 हजार के अंदर लॉन्च करता है, शायद ये अपनी बेहतर पोजीशन बना सके। दोस्तों यहां पर आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सबसे पहले कर दीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।